व्यक्ति को आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ समरसता में कैसे लाएं, उस पर इसमें आपको सीखने जानने को मिलेगा। दूसरा, इसमें जो विशेषज्ञ हमारे बीच में डॉक्टर गुरचरण सिंह, जो पिछले 22 वर्षों से आध्यात्मिकता की फील्ड में काम कर रहे हैं, मेडिकल की फील्ड में है, सोशली भी आप काम कर रहे हैं, उनके 22 सालों का जो अनुभव है लोगों से मिलने का, उनके कार्य करने का, उस अनुभव के आधार से आपको वो बताएंगे कि किस तरह से हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में समन्वयित करके, आध्यात्मिकता को साथ में लेकर के अपने आप को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे अपने आप को मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे रहस्य जो हमारे जीवन के हैं, जिनको आज कहीं ना कहीं भागती दौड़ती जिंदगी में हम भूलते जा रहे हैं, उन रहस्यों को कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम याद रखेंगे तो अपने जीवन में हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चुनौतियों को या समस्याओं को सामना कर सकते हैं, उनसे घबराएंगे नहीं बल्कि डट करके उनसे मुकाबला कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से रहस्य हैं जो ईश्वर ने हमें शक्तियों के रूप में प्रदान किए थे लेकिन उन रहस्यों को हम भूल गए, है ना। तो मैं उन रहस्यों के बारे में भी इस कार्यशाला में आपको, और बहुत कुछ चीजें हैं जो इस कार्यशाला में आप सबको सीखने को मिलेंगी। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जीतू भाई से अनुरोध करेंगे, जितने भी सम्माननीय अतिथि बैठे हैं सबको पट्टे दुपट्टा पहना करके उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें साथ में आप सभी का, भाई बहनों का। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई जी हैं, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में जो है इस ये वर्कशॉप आप पहले भी कई सारी जगह करते रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा रूपरेखा जो है आज के इस वर्कशॉप में भाई बहनों को बताएं। गुरचरण सिंह जी, चलिए बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भाई साहब का, आदरणीय सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी भाई बहने। बहुत समय से मैंने निवेदन किया कि पाइपलाइन में था प्रोग्राम, क्योंकि कई बार जब बात आती है आध्यात्मिकता के रूप में रिलीजियसली आगे बढ़ने की, तो कई लोगों के पास कंस्ट्रेंट आते हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो इस संकल्प आया कि कैसे दोनों को कंबाइन किया जाए कि हम हर कार्य करते में सोचे ना, हमें जेब की तरफ ना देखना पड़े, हम आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ते चले और फाइनेंशियली भी वेलनेस हम उस स्तर को प्राप्त करें जहाँ सब कुछ ठीक हो। तो इसी शुभ भावना के साथ सभी को हम लाभ दे सकें जो मुझे लाभ प्राप्त हुए, तो मैं वो पास ऑन करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता परमात्मा का, उनकी प्रेरणाओं अनुसार और हमारे अति सम्माननीय परम आदरणीय आदर्श दीदी जी का, जिनकी प्रेरणाओं अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आप हमेशा हमें उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि आगे से आगे और कैसे हम समाज को वैल्यू ऐड कर सकें। तो ये एक विशेष लक्ष्य है जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं और बातें फिर अपन अभी आगे वर्कशॉप में चर्चा करेंगे। थैंक यू, ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई जी के लिए। और हमारे बीच में यहाँ पर आदरणीय बहन डॉक्टर कर्णप्रिया आहूजा जी, आप भी बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आप बहुत काम करते हैं, महिलाओं के लिए आप बहुत काम करते हैं, और जब भी कुछ इस तरह की गतिविधियां कार्यक्रम होते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी कार्य करते हैं। वैसे आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर आई थिंक सेवाएं अपनी दे रहे हैं, और फिर भी आप समय निकालते हैं सब कार्यों के लिए, महिलाओं के लिए मैंने देखा आपने बहुत काम किया है और आगे भी आप करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस वर्कशॉप में अपनी संक्षिप्त में शुभकामनाएं रखें बहन डॉक्टर कर्णप्रिया आहूजा जी। ओम शांति एवरीवन। आधा मिनट लूंगी बिकॉज हमारे से बहुत ज्यादा सम्माननीय लोग यहाँ पर हैं। जैसे एक सीन इमेजिन करिए, आपके पास एक टीवी है एंड आप बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं टीवी पे, अचानक से आपको आपकी वाइफ को न्यूज मिलती है कि बाजू वालों के घर में एक बहुत बड़ा टीवी आया है, बहुत बड़ा, आपके टीवी से कई गुना बड़ा। तो आप उस समय क्या फील करते हैं? सबसे पहला थॉट, आप उनको बधाई देना बिल्कुल नहीं, आपके पास सबसे पहला थॉट आता है ईर्ष्या होती है मैक्सिमम, है ना, लेट अस जस्ट कन्फेस। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो देवी देवता ना होकर के पॉजिटिव एनर्जी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड। देवी देवता सारे पॉजिटिव एनर्जी हैं, ओके। तो क्या गॉडेस लक्ष्मी भी एक पॉजिटिव एनर्जी है? यस और नो?
तो आपने जो फीलिंग्स आई अपने पड़ोसी की उन्नति के प्रति, वो क्या पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? तो क्या नेगेटिव एनर्जी गॉडेस लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकती है? एंड इफ वी चेंज आवर माइंडसेट कि दे मस्ट हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की होगी, वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं, तो क्या अब गॉडेस लक्ष्मी आपके प्रति मेहरबान होंगी? अब होंगी, क्योंकि आपने ये सोचा कि उन्होंने मेहनत से बड़ा टीवी कमाया है, हम भी कमाएंगे, हम भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये अपने जितनी भी हमारी नेगेटिव इमोशंस है ना, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। दिस हैज ऑलवेज वर्कड। आप जितने भी बड़े रतन टाटा, वो सारी की सारी चीज अपनी मैक्सिमम चीजें चैरिटी को देके ही जाने वाले हैं। ही हैज नो हियर, वो कहते हैं भारत ही मेरी संतान है। तो जितना पॉजिटिव माइंडसेट आप रखेंगे, आपके पास माता लक्ष्मी ज्यादा आएगी। किसी की उन्नति को देखकर ये सोचें कि वे बधाई के पात्र हैं, हम भी उतनी मेहनत करेंगे, हम भी गिव बैक करेंगे सोसाइटी को, हमारे पास भी आएगी। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत धन्यवाद हमारी बहन कंपनी आहूजा के लिए। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर पड़ोसी के पास लक्ष्मी बढ़ती है तो थोड़ा सा टेंशन होता है ना। हमेशा पॉजिटिव रहना, बहुत अच्छी बात आपने संक्षिप्त में अपनी रखी। पुनः धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन कौर बहन जी हैं। आप भी, चूंकि अपना पूरा जीवन आपने मेडिकल के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं और आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, आज के इस हमारे कार्यक्रम में आप पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर आप अपनी शुभकामनाएं रखें डॉक्टर मनमोहन कौर जी। ओम शांति। मैं दो शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी की तरफ घृणा से नहीं देखें, उसके साथ द्वेष नहीं करें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी तरफ सब सुविधाएं, सब चीज़ आपको प्राप्त होती है। पर जहाँ पे आपने ये सोचा कि ये तो मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप और पीछे जाते हो, आगे बढ़ने के पीछे आप पीछे जाते हो, क्योंकि नेगेटिविटी इज सुपर पावरिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलें। और ये जो लक्ष्मी है या ये फाइनेंशियल स्टेटस है, ये तो पूर्व लिखे का मिला है, हमको अभी मेहनत करनी है, अपने पास आएगी, पर हमारे पूरे कर्म जो हैं वो भी यहाँ पे संचित होके उसका हमें सब फल भोगना होता है, जो पिछले जन्म में हम करके आए, कब से हम करते आ रहे हैं, उन सब का हमें, हम कहेंगे अभी तो हमने इसको कोई दुख नहीं दिया, पर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये हमें समझनी है कि हम पीछे क्या करके आए हैं, जो पीछे करके आए हैं वही अपन यहाँ पे भोग रहे हैं, अभी का हम आगे के लिए संचय कर रहे हैं। ये मेरा अपना व्यू है। मैं नहीं जानती कि गुरुचरण सिंह इसके साथ कितने सहमत हैं नहीं हैं, पर हम पूर्वले जन्मों का फल भोग रहे हैं और आगे के लिए हम अच्छा करके जाएं, इसलिए हमें भगवान ने इंसान के रूप में भेजा है। तो हमें उसकी हमेशा धन्यवाद करते हुए अपने को अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना है, ना कि उसने मेरे साथ बुरा करा है तो मैं भी उसका बुरा करूँगा। ऐसा करने से हम पीछे की तरफ जाते हैं और जोनियां जो हैं, जैसे घृणा वाली जोनी में उसमें पहुंच जाएंगे, हिंसक बनेंगे तो हिंसक वाली जोनी प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें हमेशा, अगर अपने को अपना आगे का जन्म संवारना है, किसी ने देखा नहीं कोई कहाँ जाता है, कहाँ से आया है, पर हम लोगों ने जहाँ तक अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करी है, बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे घरों में संस्कार होते हैं, उससे जो हमने गेन करा है, उससे यही समझ में आता है कि हमें किसी का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। और माया तो आनी जानी है, आज कोई बहुत ही रिच पर्सन है, कल वो बिल्कुल धरती में गड़ जाता है, तो इसका क्या कारण होता है? कोई पीछे के उसने अभी ऐसा नहीं करा, या इस टाइम पे ऐसे कर्म कर लिए कि वो उससे दूर चली गई, पर उससे हताश नहीं होना है, क्योंकि ये तो आनी जानी माया है। दुख सुख हर प्राणी के जीवन में आते हैं, जैसे अभी गुरचरण सिंह ने बोला था, ये भी मेरे मेडिकल उसके ही हैं और मेरे स्टूडेंट रहे हैं, इनको बचपन से मैं जानती हूँ, इतने छोटे थे, मेरे बेटे के कुल ही गए, ये गुरमोहन सिंह इनका क्लास फेलो था, तो मैं इनको तब से जानती हूँ, और इनमें कितना चेंज आया है देख देख के, मैं आई फील सो प्राउड कि एक बच्चा जो मतलब कि पहले इसकी तरफ से दूर जाता था, अपने आप भी अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि मेरे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं, और आत्मिक दृष्टि से देखो स्प्रेडशीट में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। तो क्या है,
लगन और ईश्वर की तरफ अपना पूरा सरक संपन्न उनकी तरफ ही गिरते रहे तो इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इसलिए मेरी सबसे ये निवेदन है कि कभी भी अपने ऊपर अहंकार मत करो और हमेशा उसको धन्यवाद देते हुए जो क्षण मिला है सुबह उठें पहले उसका धन्यवाद करें कि कल का टाइम निकल गया आपने अच्छा बिताया, आज का दिन जो आया आपकी याद में बीते और किसी का हम कभी बुरा नहीं सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उसको विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन कुमार जी का। और अब हम चाहेंगे कि आप प्रोजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए, तो मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कृपया आगे आएं। और हम कुछ लोगों को और आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे बीच में भाई संतोष अग्रवाल जी हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया आएं। और आदरणीय डॉक्टर आदरणीय श्री गोविंद राय सिंह जी हमारे बीच में हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में यहाँ पर वरिष्ठ संपादक सत्यम अखबार जो साप्ताहिक है उनके संपादक यहाँ बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया आएं। स्टेट बैंक के पूर्व मैनेजर श्री आर एस गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं, बिल्डर करण चावड़ा जी भी हमारे बीच में हैं, भाई संतोष गुप्ता जी, गजेंद्र कुशवाहा जी कृपया मंच पर आएं। गजेंद्र कुशवाहा जी और बाकी सब लोग जो सभा में बैठे हैं, आप सब अपने मोबाइल में दीप मोबाइल की टॉर्च जला करके इस दीप पूजन में शामिल होंगे। और गुलशन पारूथी जी भी हमारे बीच में हैं, इंश्योरेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा सभी को कंटेक्ट। जला करके आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। आप सभी ने दीप
पूजन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। और अभी मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में इस संस्थान की जो मुख्य प्रभारी हैं आदरणीय राजयोगी आदर्श दीदी जी, हम उनको सुनेंगे। और उससे पहले हमारे बीच में आर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो प्रभारी हैं सीनियर ऑडिट ऑफिसर, आप हाल ही में रिटायर हुए हैं एजी ऑफिस, सीएजी ऑफिस से आप हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर अपना वक्तव्य रखें आदरणीय श्री मुख्तार सिंह यादव जी। धन्यवाद भाई प्रहलाद जी। धन्यवाद भाई प्रहलाद जी। आज स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड फाइनेंशियल बैलेंस प्रोग्राम के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदर्श दीदी जी, हमारे डॉक्टर साहब गुलशन जी, हमारी दीदी डॉक्टर साहब, हमारी बहन छोटी बहन डॉक्टर साहब और उपस्थित सभी भाई बहन, और कार्यक्रम संचालन करने कर रहे हमारे प्रहलाद भाई जी। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रहलाद भाई जी ने सूचित किया कि कार्यक्रम रखना है, तो चूंकि कार्यक्रम ऐसा था जो मेरे विषय से संबंधित था, चूंकि मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कार्य किया है, इसलिए मुझे ये कार्यक्रम रुचिकर लगा और यह सोचकर मैंने यहाँ सहमति दी और मैं आया। अब मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अतिथि बनाया, बल्कि मैं तो यहाँ पर श्रोता और दर्शक के रूप में आया था, और जब श्रोता के रूप में और दर्शक के रूप में था तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो व्याख्या की मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, उससे मैं अभिभूत हुआ और मुझे लगा, निश्चित रूप से मुझे यह महसूस हुआ कि शासकीय सेवा के दौरान यदि हम स्पिरिचुअली जुड़ जाते तो जितना हमने कुछ किया शासकीय सर्विस के दौरान उससे ज़्यादा कुछ कर सकते थे। लेकिन मैं चूंकि प्रहलाद भाई जी तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और इस संस्थान से मैं 18 से जुड़ा हुआ हूं, उसके बाद से मैं अनुभव कर रहा हूं जो भाई गुरुचरण सिंह जी ने कहा, निश्चित रूप से फाइनेंशियल बैलेंस या फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर मेंटेन करना है तो बिना स्पिरिचुअल के कर सकते हैं आप, लेकिन जब स्पिरिचुअली से जुड़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा निखार आएगा। इस संबंध में जो भाई जी ने जो दिए थे उसमें दो तीन चीज़ें हमने नोट की थी, ये हमारा स्वभाव है, हमारी दीदी और हमारा संस्थान सिखाता है कि दुआएँ दो दुआएँ लो, ज्ञान बांटो और ज्ञान लो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उसमें थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले भाई जी ने कहा कि कौन जो कहता है कि धन खराब है, निश्चित रूप से धन खराब कहता कोई नहीं है, लेकिन धन का प्रादुर्भाव या धन का आवागमन हो जाता है या धन का प्रचुरता हो जाती है तो निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यदि कोई आदमी जो धन को प्रेम करता है और धन से आत्मीयता से प्रेम करता है तो उस पर उस धन का असर नहीं होना चाहिए, यदि आध्यात्मिक से जुड़ेगा तो उसको धन का असर नहीं होगा, बेकार नहीं आएंगे। दूसरी बात कही थी भाई जी ने बजट की। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि गृहिणी हमारी बहनें जितनी भी हैं घरों के जो बजट बनाती हैं, हमने आज तक न तो कभी देखा है और न सुना है कि घर की गृहिणी जो बजट बनाती हैं नेचुरल कैलामिटी हो या और कोई स्थिति हो तो उसमें जरूर विसंगति आ जाए, घाटा पड़ जाए, लेकिन घर की गृहिणियों का बजट जो रहता कभी घाटा पड़ते हुए नहीं देखा। जहाँ तक शासन के प्रति सवाल है, मैं ऐसे कार्यालय में रहा हूँ और मैंने हर विभाग के बजट देखे हैं और मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है, शासन की भी चर्चा की भाई जी ने कि शासन बजट बनाती है, और हम देखते हैं और सुनते हैं कि कई सरकारें बजट बनाती हैं और कई साल घाटे में चलती हैं और दिवालिया हो जाता है और लूट लेती हैं। हमारी बहन डॉक्टर बैठी हुई है प्रशासन में, देखते होंगे क्यों होती है ऐसी स्थिति। मैं अपने कार्यालय में 4 साल में ऐसे प्रशासन में रहा जहाँ हमारा बजट आता था, एडमिनिस्ट्रेशन में डील करता था, तो हमारा जो बजट बनता था और हम जो बजट बनाते थे तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं, एक रिसीट साइड, एक पेमेंट साइड। रिसीट साइड में जितना बजट आता है
हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि जितना आएगा उतना ही हम खर्च करें। आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा बैलेंस नील होना चाहिए दोनों तरफ। ये एक बजट की ड्यूटी है। लेकिन शासकीय बजट हम देखते हैं और हमने कई विभागों में ऑडिट किए हैं, कई जगह बजट आता है तो कहीं अपूर्णता जिसकी होती है वो खर्च कर नहीं पाते, सरप्लस हो जाता है, वापस करना पड़ता है। और शासन सरकारों की कई व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि बजट से ज्यादा खर्च कर देती है। अब उसमें शासन क्या गलती करता है या शासन से क्या त्रुटियां होती हैं उसको मैं बताना चाहूंगा। रिसीट साइड में जब शासन निर्धारित करता है कि हमें इस सोर्सेज से इन सोर्सों से हमारे पास रेवेन्यू आना है, अब रेवेन्यू का सोर्स है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन हमने निर्धारित किया 10 करोड़ टैक्स कलेक्शन आना चाहिए इस वित्तीय वर्ष में, और 10 करोड़ ही हमको खर्च करना है। और इस तरह से अगर हमने खर्च किया या रिसीट ली तो निश्चित रूप से हम कभी घाटे में नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकली होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं, हमारी एक जो संस्था है इसमें तो हमें हम कई बार मौका मिला है मधुबन में जाने को। यहाँ तो ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि कभी डिफिशिएंट बजट रहा ही नहीं होगा, सरप्लस ही बजट रहा है। लेकिन शासकीय जहाँ तक संस्थाओं का सवाल है, शासन का जहाँ तक सवाल है, तो हर साल डिफिशिएंट बजट हो जाता है, घाटे का बजट हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि हमें टैक्स जो कलेक्शन करना है, जैसे भाई गोचर सिंह डॉक्टर ने कहा कि इनकम टैक्स ऐसे बचाइए, इनकम टैक्स ऐसे बच सकता है, ये नहीं कहते कि ज्यादा कमाइए ज्यादा पे कीजिए, पे टू गवर्नमेंट। तो शासन जब वो खर्च जब करती है ऐसे मदों पर खर्च कर देती है जहां आवश्यक नहीं है, और रेवेन्यू जो कलेक्ट करना होता है टैक्स लेवल पे होती है, चाहे बैरियर टैक्स हो, चाहे आरटीओ टैक्स हो, जीएसटी हो, हम देखते तो हर कलेक्शन होता है, लेकिन अगर ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो तो सरकार कभी घाटे में नहीं हो, ये हमारा मानना है। तीसरी बात भाई जी ने कही कि पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी में जैसे आज हमारी पारिवारिक जीवन में या सांसारिक जीवन में ये होता है कि हम घर के लिए खर्चा करते हैं, परिवारों में चर्चा होती है, गृहिणी कहती है मालिक खर्चे करने का है, भाई कहाँ इतने वहां किसको क्यों दिया है, फलानी जगह दान दिया है, तुम्हें क्यों दिया है। जबकि हमें ये प्रोत्साहित करने चाहिए अगर 100 रुपये में से 10 रुपये अगर हम दान देते हैं, पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, तो उससे 10 रुपये की जगह 20 रुपये हमारे पास आएंगे। तो ये भी होना चाहिए तो पे बैक टू सोसाइटी हर आदमी की जब धारणा बन जाएगी तो निश्चित रूप से हमें रिटर्न मिलेगा, और जितना देंगे देवता बनेंगे उतना ही मिलेगा, जी हमें अध्यात्म सिखाता है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, मैं आप सभी का, दर्शकों का या श्रोताओं का, आपके मंच सिंह सभी का आभारी हूँ, भाई प्रहलाद भाई जी के आभारी हैं जिन्होंने आमंत्रण करके मुझे सौभाग्य मिला। और ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप स्पिरिचुअली अगर आप जुड़ जाएंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो संभव हो। धन्यवाद इतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, आपने अपने अनुभव के आधार से बताया कि बजट क्या है और बजट घाटे में कब जाता है। आपके कई सारे अनुभव रहे हैं और हमारे बीच में हमारी आदरणीय राजयोग में आदर्श दीदी जी हैं जो कि यहाँ के हमारे केंद्र के मुख्य प्रभारी हैं। आपके मार्गदर्शन में 4-5 हज़ार भाई बहने प्रतिदिन मेडिटेशन सीखने आते हैं, 60 से 70 केंद्र आपके नीचे संचालित होते हैं और आप बाल्यकाल से ही संस्थान से जुड़े हैं और पिछले 22 से 25 वर्षों से आप यहाँ की ब्रह्मा कुमारीज का ये मुख्य केंद्र है ग्वालियर का, इसके आप मुख्य प्रभारी हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अपने आशीर्वचन आज के इस अध्यक्षीय उद्बोधन में रखें आदरणीय आदर्श दीदी जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा का आह्वान करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय यादव भाई साहब, आदरणीय मनमोहन बहन जी, आदरणीय कनुप्रिया, आदरणीय डॉक्टर गुरुचरण भाई जी, आदरणीय भाता प्रहलाद भाई जी, उपस्थित सभा में सभी सम्मानीय भाई और बहने, वर्तमान समय जो सारा विश्व की आत्माएं टेंशन का शिकार हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें वो अपने आप को फाइनेंशियली वीक महसूस करते हैं या जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए परमात्मा ने हम सबको बताया हर चीज़ का अपना सम्मान होता है, हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। आज
खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की किसी को कमी नहीं है, पर इंसान की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं और इच्छाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी हैसियत से भी ज़्यादा जब खर्च कर लेता है तो उसका बैलेंस निश्चित ही गड़बड़ा जाता है। इसलिए मन के वशीभूत होकर के मनुष्य ये नहीं देखता कि मेरी आय क्या है और मुझे किस प्रकार से धन को सेव करके और अपने भविष्य का भी ख्याल करना है। तो हर चीज़ का सेव करना बहुत ज़रूरी है, हमारी वाणी, हमारा समय, पानी, लाइट, हर चीज़ को हमें आवश्यकता अनुसार ही यूज़ करना होगा। आजकल हम देखते हैं आवश्यकता से ज़्यादा थॉट भी व्यक्ति की नींद उड़ा देते हैं और उसको खाली महसूस करा देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं। पर स्पिरिचुअल ज्ञान को, आध्यात्मिकता को लेकर व्यक्ति हर प्रकार की इकोनॉमी कर सकता है और उसमें वो अपने धन को भी बहुत अच्छी तरह से सेव करके और अपने परिवार को, अपने आप को बहुत शांति का अनुभव करा सकता है। कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चादर कोई नहीं देख रहा है कि चादर कितनी है, वो कोई नहीं देख रहा है। मैंने हमारी आय, हमको, हम कितना बैलेंस पिछले जन्म में बना करके आए हैं उसी अनुसार हमें ब्याज मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान से, परमात्मा की याद की शक्ति से, उनको याद करने से हमारी जो फालतू की जो आदतें वो अपने आप ही कंट्रोल में हो जाती हैं और हम धन की, समय की बचत करके अपने आप को जितना ऊंचा ले जाना चाहें ले सकते हैं। हम देखते हैं कई लोग पूछते हैं कि आप लोग का खर्चा कैसे चलता है, आपको क्या पेमेंट मिलता है यहाँ पर। हम कहते हैं हमें भगवान ने जो ज्ञान दिया है, हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी छत्री छाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और जब परमात्मा से हम रूबरू हो जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता है कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है। हमें पता है कि जन्मों जन्म का हमारा हर जब तब सफल हो गया और हम कम से कम खर्चे में, हमको सिखाया जाता है यहाँ संस्थान के बड़े बड़े कारोबार, चाहे बिल्डिंग का बनाने का हो, चाहे बड़े बड़े सेमिनार करने का हो, चाहे हजारों लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन भोग प्रसादी का हो, अच्छे से अच्छा हम अपना प्रोग्राम भी कर लेते हैं और उसमें बचत भी कर लेते हैं। तो आज की बचत कल का भाग्य है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान को लेता है वो अपने व्यसनों को भी त्याग देता है। व्यसन हमारे जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको ज़रूरत समझ करके अपने धन को व्यर्थ कमा रहा होता है। इससे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ से हम अपने धन को बचा सकते हैं और हम उनको सम्मान दे करके, जहाँ उनकी किसी भी चीज़ की इज्जत होती है, व्यक्ति की इज्जत होती है, तो वो कोशिश करता है कि हाँ जाएं। धन को भी अगर हम बड़े प्यार से, सम्मान के साथ, परिवार के उपयोगिता के लिए, अपने जीवन के उपयोगिता के लिए, हम जरूरत के लिए अगर खर्च करते हैं और उनकी वैल्यू समझते हैं, सम्मान देते हैं, तो निश्चित ही हमें बहुत धन द्वारा सुख मिलता है। तो ज्ञान धन भी हमें लेना है, ज्ञान धन से इस स्थूल धन को भी हम बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। ये वर्तमान समय की जो प्रॉब्लम है, और किसी को देख करके हमें निश्चित ही कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना आगे क्यों नहीं। सबका भाग्य, सबकी मेहनत, सबका त्याग, हर एक का कर्म अपने अपने साथ है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है, जो व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करता ही रहता है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता है। तो ये कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब ने रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ऊपर वर्तमान समय गौर करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति फिजूल में बहुत जाता जा रहा है, इसलिए परेशान हो रहा है। और अपनी लिमिटेशन में अगर आ जाएगा तो परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। परेशानियां निर्मित भी हम ही करते हैं और परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें
परमात्मा ने जो वर्तमान समय राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान दिया है उसको लेकर तो सारा ही सब कुछ खत्म हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी के लिए जिन्होंने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिकता अगर हमारे जीवन में होगी तो हम अपने आप को हर तरह से मैनेज कर सकते हैं। सांसारिक रुचि से अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं, लेकिन आज मनुष्य जो है पैर ज़्यादा फैला रहा है, चादर भले उसकी छोटी हो, और यही कारण है उसके जीवन में अनेक अनेक चुनौतियाँ आती हैं। तो आध्यात्मिकता उसमें हमें मदद करती है। मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में वहाँ पीछे एक भाई और हमारे अनूप भाई बैठे हैं इंडिया खबर से, ये पूरे प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा बहनों से उनका भी स्वागत कर दें। अनूप भाई प्लीज़ कम इधर आएँ, ये आइए आइए भाई साहब, ये इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से हमारे चैनल पे लाइव कर रहे हैं अनूप भाई। और बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको हमने मैसेज दिया कि आपको सुबह आना है, तो ये ऐसे प्यारे भाई हैं कि हमारे हमारी बात कभी टाल नहीं सकते। आइए, और हमने इनको आज इनको आज बाहर जाना था, हमने कहा पर आपको आना है, तो तुरंत हाजिर हो गए हाजी करते हुए, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे और काट दीजिए। अमन भाई को भी मैं आमंत्रित करूंगा। अमन भाई एक और हमारे ये भी एक बहुत अच्छे खास आए हुए हैं, ये अलग दूसरी टीम है जो इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा है, लाइव अलग चल रहा है, और इस पूरे प्रोग्राम को खास कवर करने के लिए इनका बहुत गहरा अनुभव है, पिछले कई सालों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं भाई अमन, इनको भी मैं स्वागत करती हूँ। चलिए ओके, अभी हम थोड़ा सा कार्यक्रम में ब्रेक लेंगे। जो आपका दिन जो आटा चावल दाल जो भी खर्चे डे टू डे के सारे बिल्स व्हाटएवर, ये इन्होंने 55 किया है, गिव बैक 5 किया है, इसलिए मैंने इसको 50 कर दिया, उधर 10 किया है। जस्ट ये परसेंटेज अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, बट दी शुड बी देयर। और एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने नहीं बताया, आई ऑल्सो लव दैट जार। व्हाट इज दैट? दैट इज प्ले जार। प्ले जार, प्ले, बच्चों को खिलाने के लिए नहीं, फॉर मी एजुकेशन, प्ले एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, दीज थ्री जार्स आर फॉर मी, माय पर्सनल थिंग। क्योंकि मैं जो अर्न कर रहा हूं उसका पहला बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? आई शुड गेट दैट बेनिफिट। नो, हर महीने कुछ भी हो आपको 10% प्ले में, यानी कि अपने अपने एंटरटेनमेंट में खर्च करना है। एंटरटेनमेंट हो सकता है किसी के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करना, उससे क्या होने वाला है? उससे आपके जागृत रहेगा, क्या आपके अंदर का चाइल्ड, इनर चाइल्ड विल कीप ऑन स्माइलिंग, वो खुश रहेगा। जितना इनर चाइल्ड विल कीप ऑन स्माइलिंग उतना यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग, बिकॉज इनर चाइल्ड विल हेल्प यू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स को साकार करने में आपका अंदर का चाइल्ड, बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उस इनर चाइल्ड को हम सप्रेस करते जाते हैं, लॉजिकल बातें आने लगती है। वी शुड कीप दैट इनर चाइल्ड अलाइव। खेलना है, खाना है, जू खाना है, जू घूमना है, डू इट। 10% ऑफ योर इनकम शुड गो इन टू दैट। अब हो सकता है किसी को नहीं, मेरे को स्पिरिचुअल प्लेसेस जाना है, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। 10% should go every month, ये खर्च करना ही है 10%। How many of you are ready for that? अब आप कहेंगे, घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हो, कहीं पर भी at least बाजार जाओ, give yourself a chocolate अगर आपको पसंद है, give yourself a ice cream, whatever, जो आपको लगता है you resonate with, जो आपको अच्छा लगता है, 10% of your income should go। कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहेंगे देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर घर जाके सोचेंगे। चलिए ऐसा कीजिए, आई विल गिव यू अ चॉइस। मैंने कहा ना पहले, आप 1000 रुपीज हर मंथ निकालिए एंड डिवाइड दोज 1000 रुपीज इन दीज जार्स एवरी मंथ।
उसको खर्च मत करिए भले, मेक इट अ हैबिट। मैंने कहा ना हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स योर डेस्टिनी, आपकी भाग्य का निर्माण आपके कर्म, आपकी आदतें करने। कम आदतें कैसे बनेगी, लगातार जो कर्म करेंगे। करके देखिए, गिव मी ए फीडबैक। यस ओके, आप सबके पास मेरा नंबर है, यू कैन। और एक और अच्छी बात जो मैंने पहले भी बताई थी, माय पिगी बैंक इज माय बिगी बैंक। यस, कीप अ पिगी बैंक एवरी डे, पुट सम मनी इनटू इट, इट विल ग्रो, इट विल ग्रो। एट द एंड ऑफ मंथ यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, गिव बैक टू द सोसाइटी एवरी मंथ, बिकॉज दीज आर द हैबिट्स। बिकॉज मनी विल से ना, नहीं वो कदर कर रहा मेरी। इवन इफ यू रिस्पेक्ट कॉइन्स ऑल्सो, हम क्या करते हैं, कॉइन कई बार इधर उधर पड़े रहते घरों में, नहीं होता, अब मैं कहाँ रखूँ, वजन हो रहा है मेरी जेब में, पुट इट इन द पिगी बैंक, मनी विल फील रिस्पेक्टेड। यस, यू विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ मनी। करके देखिए एंड से आई लव मनी, से अरे आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई वर्क हार्डर फॉर मनी, मनी वर्क्स हार्डर फॉर मी, गेटिंग इट। इफ यू कमांड योर मनी यू वर्क फॉर मी, आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मनी विल वर्क फॉर यू, आप समाज के लिए कार्य कीजिए। अगर आपको फिजिकली काम नहीं करना पड़ेगा, यू आर फाइनेंशियली फ्री, देन यू कैन डू सम सोशल सर्विस, इजंट इट। अभी अगर आपको दाल रोटी चावल के लिए काम करना पड़ रहा है और आपको सेवा का काम आ गया, आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो जॉब पे जाना है, क्या करेंगे, जा सकेंगे? एवरीथिंग इज ए हैंड इन हैंड। हो सकता है आप रेजोनेट ना करें, बट मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू हैव अ, और एक चीज और इस चीज को समझिए, एक अनदर पर्सपेक्टिव दे रहा हूं मनी का। मनी इज अ टूल, टूल जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूं, इट इज अ टूल टू डिलीवर द लेक्चर टू यू। यस, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट। अगर ये नहीं भी होगा तो भी मैं आपसे बात कर सकता हूं, इजंट इट? सिमिलरली हैज टू बी विद मनी, उसी प्रकार से धन के साथ भी होना चाहिए। अगर है, आई एम यूजिंग इट प्रॉपरली, प्रॉपरली दिस वे। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, फकीर है हमें क्या टेंशन, गेटिंग इट? बट यू शुड बी एबल टू मैनेज इट। पिता परमात्मा कह रहे हैं साधनों के आधार पर साधना नहीं होनी चाहिए, साधना आपकी साधनों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, साधनों को यूज करो आप, कोई बात नहीं, एसी लगा अच्छा यूज करो, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा ना हो कि एसी नहीं तो मेरा मन ही नहीं लग रहा भोजन भजन पाठ पूजा में, नो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यस, कई कई भाई बहने आप अदरवाइज नहीं लेना, जो लेते हैं सुबह उठते से चाय होना चाहिए, किस किस को होना चाहिए? Yes. अब चाय नहीं होगा तो अब उस काम ही नहीं होगा, मेरा सिर भारी हो रहा है, सुबह चाय नहीं मिली, नो डोंट डू इट लाइक दैट। करके देखिए, आज से मैंने चाय छोड़ी। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, यहां से छोड़िए, आप रोज पीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी सिचुएशन बताता हूं, अभी मुझे सुबह नहीं पीता हूं, यहां पे मैं अकेला हूं सेंटर पे चाय पीने वाला, और कोई नहीं पीता है, हमारी दीदी नहीं पीती। हाँ जी, मेरी बात तो पूरी कंप्लीट करने दी, मेरी बात नहीं कंप्लीट। अब अगर मुझे पीनी है तो मुझे बना के पीनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा इस मामले में आलसी हूं, आई एडमिट दैट, नो वरीज, मैं खुद बना के नहीं पीता हूं, कोई बना के दे देगा तो मैं पी लूंगा। तो यहां पर क्या होता है, मैं यहां नहीं पीता हूं, मेरा सारा कोटा भी माउंट आबू जाऊंगा, एक हफ्ता रहता हूं हर महीने, मैं सारा कोटा वहां पूरा करता हूं, दिन में 4-5-6 बार पीता हूं। नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं, टेंशन नहीं होगी क्यों नहीं मिली, और मिली तो फिर मैं लीटर लीटर पी सकता हूं, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। यस, गेटिंग इट? सो ऐसा होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट यू, आपके साधन आपको रोके नहीं। मैं ये बताने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ो आप, नो, जैसा आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल विथ, गो विथ इट। यस, बट आप अपने आप को बड़ा बनाओ। अब जैसे कोई स्मोकिंग करने वाला, अब इतनी सी बीड़ी इतनी सिगरेट वो नहीं छोड़ पा रहा, अरे इतना बड़ा जवान, छोड़ दे, मैंने छोड़ दी आज, डन, छोड़ दी हो गया काम। अभी अगर लट पड़ जाएगी सिर में, कोमा में चला जाएगा, कहां से पिएगा सिगरेट, छोड़नी पड़ेगी ना।
I'm using very raw words, but you should think in that terms. Tabhi hone wala kaam. Yes, action. Another thing jo aap kar sakte hain, very important, track your net worth. Track your net. This is all money management system jo main aapko bata raha hu. And aur ye sab kuch spiritually elevated hone se hone wala hai. Getting my point? What is net worth? Asset minus liabilities. Assets minus liability. Every month you should track your net worth. It should be growing. Track. Yes, asset mana jo aapke paas jo income source hai, jo aapke paas dhan sampada hai. Aur liabilities mana jo jane wala hai. Asset mana jo aapki jeb mein, liabilities mana jo jane wala hai. Now I am giving you final wealth formula. What is that? Earn, अच्छे से earn करो, 20 नाखूनों का जोर. आप सोचो गुरबाणी पता क्या कह रही है, उठत बैठत हर हर ते आइए, अनदिन सुकृत करिए. उठते बैठते आप उसको याद करो, चलते फिरते, और हमेशा श्रेष्ठ कार्य करो, सुकृत. आपका कर्म किसी को दुख देने वाला ना हो. गुरबाणी में यहां तक आता है कि अगर किसी का हक आप ले रहे हो, वो गौ हत्या के समान है. हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, माना जो जो उसको मानते हैं उसका कत्ल करने के बराबर, उसका कत्ल करने के बराबर. दैट इज दैट इक्विवेलेंट टू दैट. मुझे क्या करना है? लॉ ऑफ अर्निंग सेज आप फेयर अर्निंग करो, फेयर अर्निंग. और मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी हम भूखे नहीं मरने वाले. आप बस तैयार रहो अपने स्किल सेट के साथ, सब कुछ मिलने वाला है. यस, आई एम नॉट सेइंग कि आप अंबानी अडानी बनोगे, नॉट, नो कमिटमेंट, बट यू शुड हैव अ फेयर लाइफ. अच्छी लाइफ होगी, यू शुड बी कंटेंटेड. यस, यहां मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, अबंडेंट मींस यू आर एबल टू एंजॉय इट. अब आप सोचो भोजन खा रहे हो, अभी आपने क्या खाया अभी? How many of you felt that taste? This is, yes. कई बार क्या होता है, मोबाइल टीवी क्या आ रहा है, वो मोदी जी ने क्या किया, फलाने ने क्या किया. अभी आपको मालूम है यूक्रेन का कितने समय से वार चल रहा है, बैठे हमारे पास. हाँ जी, पहले ये हो रहा था, अभी ये होने वाला है, परमाणु बम गिरेगा. 2 साल हुआ, अब हम सोचते भी नहीं है वार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उनके लिए वार बराबर हमारे. अभी मैं क्या करूंगा, आप बताओ आपने क्या किया है. यस, चलो टाइम इज. सो क्या करना है? अर्न, उसको प्लान करो. प्लान किस में करना है, थोड़ा मदद करा दो. सेव, इन्वेस्ट. अभी देखिए हम क्या करते हैं, अभी हम पहले खर्चा कर लेते हैं. हमारी क्या आदत है, आया इधर दो इधर दो खर्चा करो, जो बचेगा वो हम कोशिश करेंगे 58 जो बचेगी बचाने की, वो भी नहीं बचती कई बार तो. यस, जबकि होना क्या चाहिए, पहले प्लान करो. आया ना, प्लान, सेव, इन्वेस्ट, डोनेट, देन स्पेंड. देन स्पेंड, जो बचा है उसको खर्च करो. समझ गए बात को? अभी क्या करते हैं, पहले खर्च कर लो. नो, प्लान करो. आर यू रेडी विद दैट? चलो जी, इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन. वॉट एवर यू फोकस ऑन इट विल ग्रो. फोकस ऑन वेल्थ, इट विल ग्रो. आप दिन भर समस्या समस्या बोलते रहो, क्या होगा, क्या होगा? हाँ जी, समस्याएं बढ़ने वाली. इट विल ग्रो, इट विल ग्रो. हनुमान जी की पॉलिसी को फॉलो करो. कितने लोग हनुमान जी को मानते हैं? अरे थोड़े, हनुमान जी जैसा हाथ उठाओ ना. चलिए, हनुमान जी ने क्या किया, रावण की सभा में गए. रावण जैसा बड़ा हो रहा, वो क्या करते थे, वो अपना आकार भी बढ़ा रहे थे. ये मुझे करना पड़ेगा. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. है कि नहीं, आप बताओ कौन बड़ा है? मेरा खुदा बड़ा है ना.
उसको रखो साथ में। सिर्फ हम गाते ही हैं जागो राके साइया मार सके ना कोई, ये फीलिंग नहीं है कभी हमारे पास, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, इवन मेरे को खत्म कर सकता है हरा नहीं सकता। यस, युद्ध में कितने मरे होंगे, रामायण के युद्ध में महाभारत के युद्ध में, बट हरा नहीं सके। इवन हार गए थे, अर्जुन ने तो धनुष बाण रख ही दिया था, हार गए थे वो, फिर क्या किया, फिर से ज्ञान देकर धनुष बाण दे दिया ना, सब कुछ खत्म कर दिया गुरु गोविंद सिंह जब आनंद साहब का किला छोड़े, बट इंस्पाइट ऑफ दैट हरा नहीं सके, हार नहीं हो सकते, नेवर। वो जीत के भी जीत नहीं सकते, ये हार के भी हार नहीं सकते, दैट हैज टू बी पावर। फोकस ऑन वेल्थ, कभी मत कहो अब मैं एक नेक्स्ट लेवल गेम दे रहा हूं आपको, आर यू रेडी फॉर दैट कमेंट, रेडी? यस रेडी, रेडी? सबकी आवाज नहीं आई? आज से प्रॉब्लम कहना बंद कर दो, बोलना ही नहीं है मुझे, क्या बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बात आई, यस आई हैव अ चैलेंज टू ओवरकम, व्हाट इज दैट, आई हैव अ चैलेंज टू ओवरकम, प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम है, यू आर स्टक, दो चैलेंज जिसको मैं ओवरकम कर सकता हूं। एक है, देखिए तीन लेवल पर काम करना है, मनसा वाचा और कर्मणा, पहले सोच से हटाना है, गड़बड़ी करना है, आप इसको ऐसे लीजिए, पहले मुझे कर्मणा से हटाना है, कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे मैं प्रॉब्लम में आऊं। दूसरा, मैं बोल ऐसे ना बोलूं, बिल्कुल मत बोलो, अगर आप किसी को, खासकर घरों में बच्चों को, तुम तो ऐसे ही हो, डोंट से लाइक दैट फॉर गॉड सेक, मैं हाथ जोड़ता हूं, मत बोलो, यू आर असाइनिंग दो यूर किड्स के वो ऐसे ही रहने वाले, मत बोलो, योर वर्ड्स हैव द पावर। अगर आपको पावर वर्ड्स की देख रही है ना, किसी को गाली देकर देखो, पता लग जाएगा कितनी पावर है वर्ड में, पता लग जाएगा। यस, अगर आपको वर्ड की पावर नहीं महसूस होती तो करके देखो, और किसी को शुभ भावना के दो बोल देके देखो, अगर कोई रो रहा है उसको बोलो प्यारे भाई कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, हिम्मत रख, देखो आप चेंज हो जाएगा। यस, हो सकता है ना, वॉट एवर यू फोकस ऑन इट विल ग्रो, फोकस ऑन वेल्थ इट विल ग्रो, फोकस ऑन इट। अभी हम क्या करते हैं, मैं पास तो आपने वो स्टोरी नहीं सुनी, एक कोई शाहूकार जहाज पे कारोबार करके आ रहा था, एक फकीर उसको मिला, कुछ दे दो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू क्या मांग रहा है, तो हो गया डन, हो गया हो कुछ भी नहीं, सब खाली, तूने ही तो बोला है नहीं कुछ, मत बोलो, क्यों, सब कुछ दिया ना उसका सब। हमारे तो आता है हिस्ट्री में, माताएं जेलों में थी, उनके बच्चों के टुकड़े करके गले में हार थे, फिर भी वो कह रही थी कि दिन हमारा सुख का व्यतीत हुआ, रात्रि आई है सुख से व्यतीत कराना, दैट वॉज द विजन। मैं नहीं कर सकता क्या इंप्लीमेंट, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, एक पिता देख रहा है बच्चे शहीद हो रहे हैं सामने, मैं, मेरे पास क्या समस्या है। राम जी को राज सिंहासन से उतार के जंगल भेज दिया 14 वर्ष, अगर मुझे इतना ही बोल दिया जाए कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, दूसरे भाई को मिलने वाली, मैं उतने में लड़ाई में आ जाऊंगा, रामायण सुनने वाले, रामायण गाने वाले भी यहां तक आ सकते हैं, क्या फायदा हुआ, दिस इज नॉट द वे। फोकस ऑन द थिंग्स जो आपके पास है, पिता परमात्मा ने जो आप कुछ दिया है, जो कुछ दिया है एक्सेप्ट इट, थैंक यू गॉड, मैं इसके काबिल भी नहीं था, आपने सब कुछ दिया मुझे। यस, आप देखिए ना चेंज हो तो आप मेरे को बोलना, मैं स्टेज से लिख के दे रहा हूँ, मेरे परिवर्तन हुआ, दैट इज आई एम डिलीवरिंग इट टू यू। यस, सो अगेन थैंक यू फॉर दिस सेशन, यस होप यू एंजॉयड दिस मनी मैनेजमेंट। तो अब क्या करना है, स्पिरिचुअली एनलाइटेड होके, एलिवेट होके मैनेज कीजिए। अगर मैं इसको मैनेज नहीं कर पाया, मैं दूसरे को क्या मैनेज करूंगा। मनी इज माई बेबी, योर पर्सनल फाइनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपको धन की कहीं कमी हो रही है, उसके जिम्मेवार आप हैं, किसी भी एज में आपने प्लान नहीं किया। अब शादी अगर घर में रखी होगी तो आप क्या करेंगे, आप बताइए, प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना,
भैया मुझे यहाँ से व्यवस्था करनी है, यहाँ से लेना है, उसको देना है, टेंट वाला जगह, ये वो सब, क्यों नहीं? व्हाई डोंट प्लान फाइनेंसेस एवरी टाइम? यू शुड हैव अ 6 month कंटिंजेंसी फंड. इमरजेंसी नहीं बोलते, कंटिंजेंसी आजकल बोल रहे, जस्ट बिकॉज इमरजेंसी, बिकॉज यू थिंक ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी विल कम. ये शब्दों का, सोच का प्रभाव पड़ता है. ठीक है जी, अब एक फाइनल सेशन और है. You want break or I should continue? Yes? Okay. मैं सोच रहा था मैं ब्रेक ले लूंगा. चलिए कोई बात नहीं. नो नो वरी. क्या भाई, मैंने बताया ना चाय मैं ही पीता हूँ और कोई पीता नहीं. कोई पीने वाला होता तो मैं. ओके चलो, वील हैव अ ब्रेक विद इन. नहीं अपन, नहीं हम बनवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, डोंट वरी, बनवा लेते हैं अपन. कोई नहीं, आप भी पीना मैं भी पीऊंगा. तो वील हैव एन हाफ एन आवर, वील कंक्लूड. क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि मैं, कोशिश मेरी रहती है कि आई शुड बी ऑन टाइम. आई विल कंक्लूड. चलो तो थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू होल्ड द अल्टीमेट पावर टू डिफाइन हु यू विल बी. आपके पास शक्ति है, आप बता सकते हैं आप क्या बनने वाले हैं. यस, अब हम बात कर रहे हैं हीलिंग मनी वुड्स, जो आप बता रहे थे ना पास्ट का. पास्ट का, पास्ट कैन बी कल की बात भी, इज ऑल्सो अ पास्ट. यस, जो कल भी था वो भी पास्ट है. अब पिछले जन्म का मुझे नहीं मालूम, बट पिता परमात्मा यहां सिखा रहे हैं, इफ यू गिव अ पॉजिटिव एनर्जी टू दैट. जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, 2-3 लोग हैं, चोट लग जाएगी तो हम हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ देंगे उसको. यस, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड ऑल दोस. यस, ऐसे ही सटल वूंड्स हैं हमारे पास, आइदर रिलेटेड टू इमोशंस, आइदर रिलेटेड टू मनी, आइदर रिलेटेड टू रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे धोखा दिया, अब क्या हो गया, मेरा दिल तोड़ दिया, कॉमन लैंग्वेज में. यस, या दैट काइंड ऑफ वूंड यू हैव. ऐसे ही मनी को लेकर, मान लीजिए मैं किसी काम के लिए गया धन लेकर और धन मेरा कहीं चोरी हो गया. अब पेरेंट्स ऑलवेज से दैट, तुम तो इतना भी नहीं कर सकते हो, संभाल नहीं सकते हो. आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे आप, बच्चे ने धन नहीं संभाल पाया, छोटा 8-9 साल का बच्चा है, क्या कहेंगे आप उसको, इतना भी नहीं है, वो फलाने का बच्चा देखो वो कितना काम कर लेता है तुम्हारी एज में. बोलते नहीं बोलते, कॉमन, वेरी कॉमन. क्या होता है, हमें मालूम नहीं, That wound, that kid carry for whole life, पूरी जिंदगी के लिए वो जख्म बच्चा लेके रखता है अपने पास. That is the inner child healing, inner wound healing, जो हमें करना है. Are you ready for that? Are you ready? सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने जख्मों को हील करने के लिए? I'll give you an experience. अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो से यस. यस, ओके. सो हनी वूड में नंबर 1 इज अवेयरनेस, जागृति. अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी बात है जो बार बार मुझे रोक रही है. जागृत होना पड़ेगा उसके लिए. हर एक का डिफरेंट हो सकता है. अब कुछ भी है बट दवाई उसकी सेम है. यस, यू हैव टू हील इनर चाइल्ड. हील इनर चाइल्ड पहले तो क्या होता है, जैसे मैंने ड्रेस पहनी, ठीक है, अब अगर कहीं गंदी है, कहीं दाग लग गया है और मैं अवेयर ही नहीं हूं उसको, तो क्या होने वाला है, मैं उसको साफ नहीं करूंगा. मेरे हिसाब से क्या होगा, ठीक है, आप कहेंगे भाई साहब ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है, देन आई विल थिंक ओवर दैट. तो जब तक अवेयर नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, तब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे. यस, इट्स अ सिमिलर थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज फॉरगिवनेस, वेरी वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट थिंग. फॉरगेट एंड फॉरगिव कर सकते हैं, कर सकते हैं, अब करिए. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Are you ready? Ready? Yes.
चलिए बैठ जाइए। अब वो चित्र सामने ले आइए, कोई भी चित्र जो आपको बहुत बार परेशान कर रहा है, आप उसको देखते ही हाथ आपके ऐसे हो जाते हैं, कौन है वो, ले आइए चित्र सामने। कोई भी संबंधी, कोई भी कारक हो सकता है, वो चित्र सामने लाइए और फील दैट इमोशन कि मुझे इसको दिखाना ही है, फील दैट, फील एवरी इमोशन वॉट एवर कमिंग, फील इट, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी फियर, डर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, जेलस भी हो सकता है, ब्रिंग दैट इमोशन आउट, वो इमोशन को बाहर निकालिए और पिता परमात्मा से शक्तियां लेते हुए आज उसको माफ कर दीजिए। गिव दैट हीलिंग एनर्जी, फील वो पावरफुल एनर्जी पिता परमात्मा से आ रही है और आई एम एबल टू हील दिस पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन, ये नकारात्मक इमोशंस को मैं हील कर पा रहा हूं। यस यस, फीलिंग लाइट नाउ, ओपन योर आईज, फील दैट रिलीव ऑफ नेगेटिव इमोशन। समय का कंस्टेंट है, अदरवाइज यू शुड गो मोर डीप इन टू इट। पीपल स्टार्ट क्राइंग, एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन कैन कम आउट, वो हो सकता है। अब अगर और अच्छे इसके रिजल्ट चाहते हैं तो आज फोन लगा के उनको बोलिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, कर सकते हैं आप, देखना आनंद आने वाला है कितना। ओके ओके, अभी भी कई उसी जोन में। नाउ रीफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स, अब फ्रेम करना है। व्हाट इज रीफ्रेमिंग, दोबारा से फ्रेम कर रहे हैं आप उस फ्रेम को। जैसे क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो क्या बोलेंगे, रीफ्रेम दिस सेंटेंस। अब कोई नेगेटिव थॉट मेरे बारे में, पुरानी बातों के बारे में आ रहा है, रीफ्रेम इट। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, रीफ्रेम इट, रीफ्रेम इट। कौन करेगा जी? हाँ जी, तेरा भी भला। यस, गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ रहे हैं? मैं तो बहुत बीमार हूं, रिफ्रेम इट। यस यस, आई गेट बैक सून, आई गेट बैटर ऑन ट्रैक वेरी सून। गेटिंग माई पॉइंट, मेरे पास धन की समस्या हो रही है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे जवाब देना आपको। हाँ जी, बहुत है, बेवा है, चढ़ती कला, हमें तो सिखाया गया है हमेशा कैसे हो, चढ़ती कला है। यस यस, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज जस्ट ओनली अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट। आप सिर्फ वो देखते हैं जो आपके पास नहीं है, आज से वो देखना शुरू कीजिए जो आपके पास है। आप चेंज करो, आप मान लीजिए, देखो अगर हैबिट कुछ गलत हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करो। हाँ जी, ग्लास पूरा भरा है, आधे में हवा है आधे में पानी है। नेक्स्ट लेवल, आप, मैं आपको बता रहा हूं, वंस यू स्टार्ट डूइंग, अगर मान लीजिए कुछ गलत वर्ड निकला भी, मुझे लगता ठीक नहीं है, ऑलवेज से कैंसिल कैंसिल। जैसे क्या होता है ना, गलत हो गया तो क्या करते हैं, कैंसिल कैंसिल, मेक इट अ हैबिट, कैंसिल कैंसिल करके देखो आप। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं आज, सॉरी कैंसिल कैंसिल, नो आई एम वर्किंग ऑन इट। क्या हो गया, मैं इस पर कार्य कर रहा हूं। आप, मैं परेशान हूं, एक सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, दूसरा क्या कहना है, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर कार्य कर रहा हूं अभी, आई विल ओवरकम इट। यस,
अब क्या हो रहा है, मतलब मुझे स्टक सिचुएशन से मुझे ऊपर सिचुएशन में आना है, मैं परिस्थितियों के नीचे नहीं हूं, मैं ऊपर हूं। रिफ्रेम इट नाउ, फाइनल चीज आ जाओ, आई एम गिविंग यू अनदर लेवल टिप, स्मॉल ट्रुथ टू मेक लाइफ 100%। जानना चाहते हैं सूत्र, कौन कौन नहीं जानना चाहते? मैंने कुछ नहीं जाना। देखो प्रयास भाई ने एक एक्सरसाइज कराई, एक मैंने कराई है ना। चलो तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो, इफ एबीसीडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 26, यस अल्फाबेट 26, सो व्हाट मेक्स लाइफ 100%? कोई कहेगा हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क में कितना परसेंट? इट इज ओनली 98%, इट वोंट मेक 100%। तो आप क्या कहेंगे, व्हाट एल्स, और क्या शब्द हो सकता है? एनी गेसेस, कोई अनुमान? हैप्पीनेस, ओके, विल सी, सम पीपल से नॉलेज, नॉलेज इज ओनली 96%। यू कैन वर्क अराउंड इट, आप घर पे जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिसके पीछे दुनिया परेशान है, इट इज ओनली 54%। और जिसके लिए लोग यहां वहां भटक रहे हैं, कितना परसेंट? कृपा कहां बरसेगी, दिखाओ हाथ। मैं आपको बताऊं तरीका, आप भी हाथ देखने का काम शुरू कर सकते। कौन कौन शुरू करना चाहता है? आप हाथ देखेंगे ना, इफ यू फील के हाथ सॉफ्ट है, एक मेहनत नहीं करते आप, मेहनत करना शुरू करो, कृपा यहां रुकिए। आप देख रहे हो हाथ बहुत हार्ड है, मेहनत बहुत करते हो, रिजल्ट नहीं निकलता। आप क्या करो, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, ये पूजा करो, हो जाएगा। 50% चांस है जो आप सॉल्यूशन दोगे वो काम करेगा, 50% चांस है नहीं करेगा। काम कर गया आपकी वाहवा हो गई, आपका नाम हो जाएगा, डन। अनदर सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको दे रहा हूं, यस। सम पीपल विल से मनी, मनी राम, यस नो, मनी इज ओनली 72, लीडरशिप 89। सो व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, इट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर लाइफ, दृष्टिकोण जो आपकी लाइफ को 100% बना सकता है, यस, एटीट्यूड। आप इधर से देख रहे हैं, मैं इधर से देख रहा हूं, आप उधर से देख रहे हैं, उस एंगल से, दृष्टिकोण वाला, आपकी दृष्टि का कोण, एंगल ऑफ योर विजुअलाइजेशन। अब मैं कह रहा हूं 6 से, आप कह रहे हो 9 है, दोनों सही है। अब क्या करना है, मुझे हर सिचुएशन को ये कहना है, हर पर्सन को ये कहना है कि ही इज राइट इन हिज ओन पर्सपेक्टिव, आई एम राइट इन माई पर्सपेक्टिव, सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। सो दादी जानकी हमारी जो चीफ रही ब्रह्म कुमारी की, वो हमेशा कहते थे, इफ यू वॉन्ट हारमनी इन रिलेशनशिप्स, हारमनी, हार माने, क्या करो, हार माने। जब आपको मालूम है रिलेशनशिप ऐसा है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो क्या करो, एक्सेप्ट इट। हारमनी मीन्स एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट अदर पर्सन विल ऑल्सो एक्सेप्ट। क्या होता है, हम बात को सिद्ध करने के लिए, जिद करने के लिए लड़ते रहते हैं और अपने रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, होता है, क्यों, करके देखो ना, करके देखो। अगर एक यहां पर रिवॉल्वर लगा दीजिए आपके कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसे ही कर लो, जरूरत ना पड़े। व्हाई सिचुएशन हैज टू पुट योर गन ऑन योर हेड, सिचुएशंस क्यों आपको इस परिस्थिति में कि आपको करना पड़े, चेंज योर एटीट्यूड, एवरीथिंग विल चेंज। अगर आप ये देखते हो मेरी लाइफ में तो बड़ी समस्या है साहब, मैं क्या करूं, गुरु भाई बता तो बहुत अच्छा रहे हो, पर हो नहीं सकता, किस किस को लगता है हो नहीं सकता, मैं आपको प्रूव कर दूंगा हो सकता है, मेरा बाबा बैठा है वो कराएगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, इफ यू चेंज पर्सपेक्टिव। अभी मैं बताता हूं, एग्जाम्पल आपको प्रूफ हो जाएगा।
मेरे को नेम नहीं जानता, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, याद करता हूँ. आई एम वेरी वीक इन दैट. दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चेंज इट. पुराने समय पर पता था कि 100 मीटर दौड़ इतने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो यू विल डैमेज योर लेग्स, ऐसा बिलीफ सिस्टम था. बट वन पर्सन केम, उसने उससे ज़्यादा का जल्दी पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर, ऑल वेल, नो डैमेज. वो सिचुएशन चेंज हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसके भी रिकॉर्ड कई लोगों ने तोड़ दी जस्ट बिकॉज कि उसने वो रिकॉर्ड तोड़ा, वो बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ. You can think, you can achieve. Yes? ठीक है, मुझे नहीं मालूम है आपको. Getting it? This is there. This is the power. आप और मैं बताता हूं आपको, टेक आउट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो आप सोच नहीं सकते लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, पता है आपको, हम सोच नहीं सकते. Yes? मैं वही कह रहा हूं ना, रिकॉर्ड बनते किस लिए, टूटने के लिए, जस्ट बिकॉज उसके बाद कोई सोचने वाला आता है, वो उस पर काम करता है. आज मैं बोल रहा हूं, कल इसी टॉपिक पे हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने वाला कोई बंदा है. आई एम क्रिएटिंग अ बेंचमार्क. अब हो सकता है इससे आगे भी काम होने वाला है, यस, रुकने नहीं वाला. अब आप सोचिए, पहले एरोप्लेन कैसे बने थे, वो उड़ नहीं पाया था, राइट ब्रदर्स उड़ा नहीं पाए थे, सब लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे थे, देखो ये उड़ाएंगे, है ना, पता है ना आपको स्टोरी, सबने सुनी. सर थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार फेल हुए, बट जस्ट दैट वॉज, उनकी स्टोरी सुनी आपने, हाँ जी. जिस दिन वो बताने वाले थे बल्ब को लगा के, उन्होंने असिस्टेंट को भेजा, जाओ वहां सब सेटअप करके आओ, ठीक है. और क्या हुआ, क्या हुआ पता है, वो रास्ते में ब्रेक हो गया बल्ब. मैं होता तो क्या करता था वहां पर, वॉट आई शुड हैव डन, इतने समय की तपस्या, और वो बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, मेरे से गिरता तभी मैं स्वीकार कर लेता, दूसरे ने गिरा दिया, तुमने जानबूझ के गिराया होगा. यस, आई हैड सिमिलर सिचुएशन यस्टरडे, बट आई सेड सॉरी टू द फादर, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक थिंग्स कैन हैपन. इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. आप अपने आप को इवॉल्व करो, ग्रो करो. यस, तो वॉट ही सेड, अब वो बंदा आया कि सर ऐसा हो गया, ओवरनाइट वर्क किया गया, ओवरनाइट तैयार किया गया दोबारा, और सुबह उसी बंदे को भेजा गया दोबारा वो लगाने के लिए. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन दैट पर्सन. अब मैं छोटी छोटी बात आ जाती हूँ, हाँ मेरे को घुटना दर्द कर रहा है, अरे चल भाई घुटना दर्द कर रहा है तो क्या हो गया, दवाई ले आगे बढ़. नहीं, पिता परमात्मा कह रहे हैं ये कलयुग के फ्रूट्स हैं, खाओ और आगे बढ़ो. एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड. अब एक चीज और दे रहा हूं मैं आपको, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम, कोई ताला ऐसा नहीं है जिसकी, सबको पता है, बट प्रॉब्लम है चाबी लगावे कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन मारने बात हुए, है? Yes. तो क्या करना है, टू गेट टू द टॉप, ऊपर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, we have to really need this, you have to go further, हमारी सोच से आगे जाना पड़ेगा मुझे. Yes? अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी सुबह मैं देख रहा था कि कुर्सी खाली है चार, ये लगा कि मैंने एफर्ट्स बहुत डाले, भाई बहनों को इतना अच्छा मैं दे रहा हूं. How many of you felt good? जो लोग नहीं आए उनके लिए क्या लग रहा आपको, आते तो अच्छा लगता उनको. Yes? बट what आई क्रिएटेड इन माई माइंड, ओके गॉड, अगर एक बंदा भी यहाँ बैठा है मेरे सामने, आई विल गिव 100%, मैं अपना पूरा 100% दूंगा, दिस इज माई ड्यूटी, आई ओवरकम दैट थॉट. होगा, ये पॉपअप होंगे, दिमाग में आएंगी बात, माइंड विल से नहीं हो सकता तुम रहने दो, माइंड को क्या कहना है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. क्या बोलना है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. यस, बोल सकते हैं, आवाज नहीं आ रही. Yes. मैं आपको बता दूं, आई एम गिविंग यू अनदर नगेट, आइदर यू कैन बी राइट और आइदर यू कैन बी रिच. क्या बनना है आपको, हाँ राइट, रिच नहीं बनना, ओके, यू कैन इंप्लीमेंट दोज थिंग. राइट मतलब क्या है,
नहीं तो ऐसा ही होना चाहिए। राइट उस वे में नहीं बोल रहा हूं कि सही या गलत, राइट मीन नहीं ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, कभी कभी हमें, जैसे मान लीजिए नदी जा रही है, छोटे मोटे पत्थर आएंगे तो साथ में लेती जाएगी, बड़ा पहाड़ आएगा तो क्या करेगी? एज सिंपल एज दैट। मैं कौन नहीं, मैं तो यहीं से जाऊंगा। आइदर यू कैन बी रिच और आइदर यू कैन बी राइट। मैं तो यहां से नहीं, चेंज एवरी प्रॉब्लम एज अ सॉल्यूशन। यू हैव टू मूव वन स्टेप अहेड। और इट हैज बीन सेड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इज दैट यू कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप जिंदगी में हर चीज बदल सकते हैं दृष्टिकोण अगर बदल लेंगे तो। यस, कर सकते हैं? यस। नाउ वन मोर थिंग, एक लास्ट स्टेप आपको दे रहा हूं। अब आप कहें लास्ट लास्ट करके गुरु भाई पता नहीं क्या कर रहे, मैं अपना टाइम तो पूरा करूंगा। वन मोर स्टेप टू गो, यू वॉन्ट टू मूव? मैंने कहा ना एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो सोने वालों को जब जगा दे, आई वॉन्ट टू मूव अहेड। आवाज नहीं आई? यस, यू वॉन्ट टू मूव अहेड? ओके, सो वॉट इज दैट? यस, लव टू गॉड। वॉट इज दैट? दैट विल मेक योर लाइफ 101%, 100% एटीट्यूड चेंज कीजिए। डेवलप लव फॉर गॉड। कर सकते हैं? करते हैं, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गॉड को क्लियर करना पड़ेगा। हु इज ही? हु इज ही? वो सर्व आत्माओं का पिता, एक पिता एक उसके हम बारक, एक है वो, अनेक नहीं है। उस एक से कनेक्शन, वो निराकार पिता परमात्मा अभी वर्तमान समय हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्टडी। यस, आई एम एबल टू डिलीवर दिस थिंग, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स नॉट सर्टनली नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरे में कोई क्षमताएं नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। मैं आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी वो डिलीवर कर रहा है। आई स्टार्टेड विद दैट सेइंग कि पिता परमात्मा ये आपके सब संतान है, आप जो इनको देना चाहते हो थ्रू मी, एंड दिस इज माई फॉर्चून कि वो मेरे थ्रू कार्य कर रहा है। तो क्या करो फिर? लव टू गॉड, सरेंडर ऑल योर वरीज टू गॉड, सरेंडर। जब सारी दुनिया चला सकती है, सारी दुनिया को वो चला सकता है, तो क्या मेरी दुनिया नहीं चलाएगा? ऐसे एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, जैसे मैंने कहा सारी दुनिया कौन चला रहा है, सज्जन हस्बैंड वाइफ आगे बैठे थे, ऐसे वैसे साहब कोई भी चला रहा हो, हमारी दुनिया तो यही चला रही हमारी दुनिया तो यही चला रही है, ठीक है, बट जस्ट ये रियलाइज करना पड़ेगा। लव टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। यस, और फाइनली द माइंड सेट विच हैज गिवन यू द प्रॉब्लम, इट वोंट गिव यू द सॉल्यूशन। Yes, जिस दिमाग ने, माइंडसेट ने आपको समस्याएं दी है, उस माइंड से समाधान नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? आइदर यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, गेटिंग इट, और यू हैव टू बोरो इट, बोरो इट आइदर फ्रॉम बुक्स और फ्रॉम द पीपल वू हैव द राइट माइंडसेट। जिनके पास सही माइंडसेट है उनसे लीजिए। कहते ना, अगर दिमाग नहीं तो क्या करो? ले लो। यस, सो इफ यू ड्रीम बिग, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैंने कहा ना 10% शुड गो इन योर एजुकेशन। सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू एजुकेट योर सेल्फ? रेज योर हैंड। यस, सो आई एम इन्वाइटिंग यू, वी हैव अ 7 days कोर्स हियर, एजुकेट योर सेल्फ। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज डू कम हियर, आप सीखिए कैसे पिता परमात्मा इतना विशाल कार्य कर रहे हैं। यस, कैसे हम सारी चीजों को इंटीग्रेट करके अपने लाइफ को 101% बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर चीज के लिए सीखना आवश्यक होता है। सीखना, यस, ट्राई टू लर्न, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, एंड दिस इज द गॉड फादर्स मिशन, अबंडेंट भारत मिशन। थ्रू आवर अबंडेंस वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द अबंडेंस ऑफ आवर कंट्री। यस, सो अगेन अ वेरी
deep thanks. We are all conducting these type of programs, holistic health management, all those programs. I'll just say a financial management program. Yes, it's not been thought care, spiritual, or it is important. Yes, it is important that कैसे हम अपने आप को upgrade करें. Moral values हर जगह पर चाहिए. हर जगह degradation हो रहा है. आपको मालूम है, एक समय पर doctors were considered to be second god. एक समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मान्यताएं चेंज हो रही हैं. मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ वी पीपल, इजंट इट? क्योंकि हम उसको उस लेवल तक नहीं रख पा रहे हैं अपने लेवल. अगर मैं उस पोजीशन पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो क्या होगा? वो वाइब्रेशन सब जगह जाएंगे. मेरे वाइब्रेशन क्या जा रहे हैं? जैसे अभी मैं आपको लग रहा है कि आई वॉन्ट टू सर्व यू, अगर आपको वाइब्रेशन जा रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी जेब से निकाल लूँ पैसा, तो क्या होगा फिर? यू विल फील दैट वाइब्रेशन. Vibrations are changing. This is the level of energy. So these are all things which are being taught. So again, a very heartiest thanks for each and everyone present here. Jo jo aap yahan present ho. So gratitude to Father, to you being with me, aur mujhe ye avsar pradan karne ke liye main aap sab ki seva kar paya. Aapne itna samay nikala. That is amazing. So I am just on time. Yes. So thanks to each and everyone. क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कोई सामने बैठ के घड़ी देखे, तो that create me uncomfortable. That make me uncomfortable. Okay. So amazing learning. Hope जो आपको मैं पहले ही कहा, जो आपको अच्छा लगे उसको आप साथ में रखना. जो लगे कि ठीक नहीं है, मेरी पर्सनल मिस्टेक समझ के यहाँ छोड़ के जाना, उसको मत लेके जाना. बोलना ये सरदार जी की अपनी मिस्टेक है, इसको छोड़ो, खराब चीज़ नहीं. यस, जो लगता है कि यस दिस विल हेल्प फॉर मी, जस्ट इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ. अगेन अ वेरी वार्म थैंक यू टू ऑल प्रेजेंट हियर, दीदी जी, प्रहलाद भाई जी, ईच एंड एवरी वन, जो भी सब एसोसिएटेड हैं. थैंक्स अ लॉट. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरचरण भाई जी को. एक बार जोरदार ताली गुरचरण भाई जी के लिए बजाएं. और आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, सुना है, अनुभव किया है, और मुझे लगता है कि ज़रूर आप इन सब बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और बहुत कुछ यहाँ से सीख करके जा रहे होंगे. जीवन में एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ से कुछ भी अच्छा मिलता है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए. कुछ भी अच्छा मिलता है कहीं से भी. यस प्लीज, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ओके. जहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है ग्रहण करना चाहिए. जैसे आप देखिए, मैं एक हंसी की बात उसमें सुना देता हूँ. आजकल जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाती है. एक बार हमारे पास एक बहन जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आप लोग मेडिटेशन सिखाते हैं और मेडिटेशन में बहुत सारी बातों का समाधान है. मैंने कहा भाई है तो सही. तो कहती मेरे घर में बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए. तो मैं उनके साथ बैठा रहा, उनकी बातें सुनता रहा. तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे बताई जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस था. जाते जाते पूरा टाइम तो मेरा उनकी बातें सुनने में चला गया. मैंने उनको कहा कल आप अपने मिस्टर को लेके आइएगा, भाई साहब को लेके आइएगा, तो मैं मिलना चाहूँगा. कहती नहीं नहीं वो यहाँ नहीं आएंगे. मैंने कहा क्यों? अरे बोले नहीं नहीं उनका इधर इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं आएंगे. हमने कहा भाई आप हमारा संदेश तो उनको जाके दे दीजिएगा कि हम एक मेडिटेशन सेंटर पर गए थे और वहाँ के जो भैया हैं उन्होंने बोला है कि आप अपने मिस्टर को लेके आइएगा. बोली ठीक है आप कहते हैं तो हम कह देंगे. उन्होंने जाके कह दिया और सचमुच अगले दिन वो आ गए वहाँ पर. तो जब वो आ गए तो हमने उनकी भी बात सुनी, क्योंकि उनका झगड़ा आपस में था एक्चुअल में, इसलिए मैंने उनको बुलवाया था. तो मैंने उनकी भी बात सुनी. जब बात सुनने के बाद दोनों की बात सुन ली, फिर दोनों को साथ में बिठाया और हमने उनके मिस्टर को ये बोला कि आपको अपनी पत्नी के अंदर 5 अच्छी विशेषताएं बतानी है जो अच्छी गुड हैबिट उनके अंदर हों. तो पति ने बहुत अच्छे से बताई कि ये बिजनेस में हमारा सपोर्ट करती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, घर को भी बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत सारी विशेषताएं, 5 विशेषताएं हमने 6-7 गिना डाली. जैसे हमने उनकी पत्नी से पूछा कि आप अपने मिस्टर में 5 विशेषताएं बताइए, तो कहती भाई साहब उनमें तो कोई विशेषता ही नहीं है. हमने कहा यही सारा झगड़े का कारण है, यही दुख का कारण है, क्योंकि आपने कमियां देखने का चश्मा पहन रखा है. अगर आप लाल कलर का चश्मा पहने होंगे तो आपको लाल ही दिखाई देगा ना.
या हरे कलर का पहने होंगे तो हरा ही दिखाई देगा। वही जीवन का हाल है कि अगर हम लोगों में कमियां देखने लगते हैं, वीकनेसेस देखते लगते हैं, तो वो वीकनेसेस फिर हमारे अंदर आ जाती हैं और हम अच्छा नहीं बन पाते। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। मैं मानता हूं कमियां भी होती हैं लोगों में, 90% अगर कमियां तो 10% विशेषता जरूर होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण अच्छा हो, हमारे कारोबार में सब कुछ अच्छा हो, हम जिनके साथ कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा हो, तो आप उनमें ढूंढिए उनके अंदर क्या विशेषता है, विशेषता ढूंढिए और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, तो आप देखेंगे कि वही लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हर एक ह्यूमन, हर एक व्यक्ति का एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति अप्रिशिएशन चाहता है, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में आपने बताया कि बल्ब टूट गया, लेकिन उन्होंने उसी व्यक्ति को दिया कि जाओ प्रेजेंटेशन फिर से जो है करना, और उसी व्यक्ति को लगाने के लिए, डेमो देने के लिए भेजा। अगर हम में से कोई होता है तो हम क्या बोलते, अरे उसको मत भेजो, उससे तो काम बिगड़ जाता है, उसको मत भेजो। ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती वाले को भी अगर अवसर आप देते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती और वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो वही चीज है कि अप्रिशिएशन दो आप अपने परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, सभी को अप्रिशिएट करो। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं ना, आप देखेंगे उन सबका सहयोग आपको मिलने लग जाएगा और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपके जीवन में आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। पर ऐसा लोग करते नहीं है। मैं एक लाइव उदाहरण आपको देकर के अपनी बात पूरी करता हूं। एक बार हमारा ग्वालियर में फेयर लगाया था हमने फूलबाग में 2010 में, और इतना उस समय जबरदस्त बारिश हुआ कि मुझे लग रहा था कि अभी कैसे फेयर, मतलब हमारा 10 दिन मेला चलने वाला था और अगले दिन उद्घाटन था, और 3 दिन से लगातार बारिश हुई, फूल बाग मैदान में पानी पानी सब जगह, टेंट वाला टेंट लगा रहा, सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे। रात को 1 बजे का समय, मैं मॉनिटरिंग करने के लिए जब पहुंचा वहां, देखा तो पानी तो बरस ही रहा था, टेंट वेंट सब गीले थे, सब व्यवस्थाएं। तो हमारे किसी वॉलंटियर ने उस टेंट वाले भैया को बोल दिया, अरे क्या तुमने स्टेज पर चादर नहीं चेंज की है, ये तो गंदी है और क्या साफ नहीं है। तो बोला, भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बड़ा काम, बारिश हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, मैं कहां से तुम्हारा चादर वादर बदल दूं, इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी काम ठीक नहीं हो रहा। बेचारा वो ऐसे आवेश में आके बोला। तो हमारे किसी वॉलंटियर ने आके हमको बताया कि वो टेंट वाला जो भैया है ना, वो चादर नहीं बदल रहा है, सुबह उद्घाटन है 6 बजे और जो है सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसके पास गया और टेंट वाले को बुलाया, मैंने कहा भाई क्या क्या आपने तैयारी की। तो उसने सारा मॉनिटर कराया मुझे, सर मैंने देखो ये पंडाल बना दिया, ये आपका इसके लिए बना दिया। अरे वाह, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, कितनी मेहनत की है, इतनी बारिश में भी आप इतना, मतलब रात को 1 बजे तक आप और आपकी टीम कितना मेहनत कर रहे हैं, वाकई में कमाल है आपकी, तो कितना अच्छा अच्छा आपने डेकोरेट किया। मैं पूरा पंडाल उसको घुमाया, लास्ट में घूम करके स्टेज पर आया, मैंने कहा हाँ स्टेज भी बहुत अच्छा बनाया, पर अगर ये चादर चेंज हो जाएगा ना मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अरे वाह, अभी लेके आता हूँ सर। रात को 1 बजे गोदाम पे गया और नई की नई चादर लेके उसने बिछा दी। अब आप सोचिए, वही हमारे वॉलंटियर ने उसको बोला और वही मैंने बोला। तो कहने का भाव यही है कि चादर बदल दी और उसने सब अच्छा हो। तो जीवन में कोई भी कभी भी किसी से काम कराना हो, परिवार को या बाहर को, उसको अप्रिशिएशन जरूर दो। उसके अंदर जो विशेषता है, विशेषता देख करके उसको बताओ कि आप बहुत अच्छे हो, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमियां मत देखो, कमियां सब में होती हैं, और धीरे धीरे विशेषताएं बताने से वो व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा और आपके भी काम भी अच्छे हो जाएंगे। तो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा आप सबको। पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर गुरचंद भाई जी का धन्यवाद, बहनी दीदी जी का, और इस पूरी टीम का, हमारे पीछे जो हमारे लाइव कर रहे हैं भाई वो, या कैमरा चला रहे हैं भाई वो, या जो भी हमारे भाई बहन साथी इस पूरे प्रोग्राम में, काफी सारी टीम आप सबकी सेवा में यहाँ लगी हुई है, चाय नाश्ता भोजन प्रसाद जो भी सब तैयार कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरह के सेशन अटेंड करें, आगे भी संस्थान में आते रहें, आगे भी मेडिटेशन की क्लासेस लें, ज्वाइन करें और अपने जीवन को जितना बेहतर बना सकते हैं आध्यात्मिकता से उतना बेहतर बनाएं। पुनः धन्यवाद, ओम शांति। भाई साहब हमारे सर कुछ कहना चाह रहे हैं, गोविंद सिंह सर आइए।